दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 7297 TDAIC जो है, आज मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये हिरसिंग है, इसको हम लोग हिरसिंग बोलते हैं। ये जो है 7805 है, जो कि हम ट्रांजिस्टर लगाएंगे इसमें। और दोस्तों ये देखिए, ये USB मॉड्यूल है, जो कि इसको भी लगाएंगे। और दोस्तों बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर बनाएंगे। और दोस्तों वायर देखिए दोस्तों, रेड और ब्लैक वायर। और दोस्तों ये देखिए 125 UF 25 वोल्ट में दोस्तों। और दोस्तों ये 4.7 UF जो है 50 वोल्ट में दोस्तों, इसको भी लगाएंगे। दो लगाएंगे दोस्तों 50 वोल्ट में। और दोस्तों इसी तरीके से एक 47 के रेजिस्टेंस लगाएंगे। और दोस्तों इसको पावरफुल एम्पलीफायर बनाएंगे। और देखिए दोस्तों पोटेंशियल मीटर लगाएंगे 100 के। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आज बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर बनाएंगे, जो कि आप लोग AIC देख सकते हैं, TDA 7297। अब इसको मैं हिरसिंग में टाइट कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें, इसको हम लोग 1/8 का नट पेज बोलते हैं, इसको हम लगाते हैं जो ब्लैक कलर का है। और दोस्तों इसको हम टाइट कर देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही थोड़ा फुल टाइट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसको बहुत जो है टाइट होना चाहिए, क्योंकि IC हीट होती है। और दोस्तों इसको जो है पिन को सीधा करेंगे, वो भी चिमटी की मदद से। आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से इसको हम पूरी IC को सीधा करेंगे दोस्तों। इसका जो है 8 इंची जो है, एक मैं सब बूफर चलाऊँगा और एक स्पीकर चलाऊँगा 8 इंची। और दोस्तों बहुत ही पावरफुल होता है इसका एम्पलीफायर। और इसकी पिन जो है थोड़ा सा हम लोग थोड़ा जो है दूर दूर कर देंगे दोस्तों, शॉर्ट जो है नहीं होगा। और दोस्तों इसी तरीके से ये देखिए सप्लाई की पिन है। और अब इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं IC में। और उसके बाद दोस्तों इसमें एक हम वायर लगाएंगे जो है, जिसमें कि पहले हम इसको शॉर्ट करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो है 4 नंबर पिन और 5 नंबर पिन हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा दोस्तों जो है आसानी से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें पास पिन होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों। अब देखिए 6 नंबर और 7 नंबर हमने पिन शॉर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से दोस्तों हम जो है 8 नंबर और 9 नंबर पिन जो है शॉर्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग थोड़ा सा जो है, क्योंकि दोस्तों इतनी पास होती है इसकी पिन, और ये 10 नंबर पिन जो है थोड़ा सा हमें साइड कर देना है, क्योंकि 10 नंबर पिन जो है हमें शॉर्ट नहीं करना है। अब 6 नंबर और 7 नंबर पिन हम शॉर्ट करेंगे, फिर 11 नंबर और 12 नंबर पिन हम शॉर्ट करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हम उसको जो है मिला देते हैं पास में, क्योंकि दोस्तों इतने पास में पिन होती है कि बहुत दिक्कत होता है। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर और 7 नंबर पिन मैंने शॉर्ट कर दिया, और 11 और 12 नंबर पिन हम शॉर्ट कर दिए, जिसमें कि 10 नंबर पिन हमने छोड़ दिया है। इसी तरीके से दोस्तों अब एक बार हम उसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं, थोड़ा सा जो है दोस्तों बनाने में आसानी होगी, नहीं तो दोस्तों क्योंकि शॉर्ट होने में। अब देखिए दोस्तों, एक मैं वायर बना रखा हूँ ये जम्फर का, जिसमें हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे 3 नंबर पिन पे दोस्तों। इस तरफ से आप देखिए जो है 3 नंबर पिन 3री पिन पर, और इस तरफ से दोस्तों 3री पिन पर जो है हम जो है 12 वोल्ट की सप्लाई का जम्फर बनाएंगे। देखिए दोस्तों हमने बना रखा है और इसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों इसको हमने शॉर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से दोस्तों थोड़ा सा जो है, अब यहाँ पे उसके बाद हम दोस्तों 47 के रेजिस्टेंस लगाएंगे, थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये 47 के रेजिस्टेंस है, इसको लगाएंगे और थोड़ा सा हमने इसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा करना होता है। तो दोस्तों अब ये हम इसको एक जो है इस पिन पे, और दोस्तों जो है 6 नंबर और सॉरी दोस्तों जो है 5 नंबर और
पांच नंबर और छह नंबर पिन पे इसको लगाएंगे और 12 वोल्ट से इसको शॉर्ट कर देंगे 47 के रेजिस्टेंस। दोस्तों अब इसको हम शॉर्ट कर दे रहे हैं जो है कि दोस्तों अभी जो है, और इसके बाद दोस्तों 100 EUF कंडेंसर लगाएंगे जो है। दोस्तों एक पिन को हम ग्राउंड देंगे, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हम 11 नंबर और 12 नंबर पिन पे इसको लगाएंगे। देखिए दोस्तों 11 नंबर और 12 नंबर पिन पे इसको लगाएंगे। थोड़ा सा दोस्तों इसको हम सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप देखिए दोस्तों दोस्तों इसको हम लगाएंगे जो है 7 और 8 नंबर पिन पे। दोस्तों इसके बाद हम इसको यहाँ पे इसको सप्लाई दे देंगे जो कि कैपेसिटर पे प्लस वाली पिन पे जो है 47 के रेजिस्टेंस है, इससे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों इसको हमने कनेक्ट कर दिया और इसको हम कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से जो है हमने इसको सेट कर लिया। अब हम ये लगाएंगे 4K7 UF जो है कैपेसिटर जो कि ऑडियो के लिए होता है जो है 50 वोल्ट में, क्योंकि इससे हम RL लेफ्ट राइट का जो हम लोग कनेक्शन देते हैं ऑडियो का, जो IC से जो है ऑडियो जो USB मॉड्यूल से जो RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन हम इस पे देते हैं। दोस्तों अभी तो दोस्तों यहाँ पे हम एक और लगाएंगे, पोटेंशियल मीटर लगाएंगे, तो दोस्तों ये दूसरे तरीके से कनेक्शन होगा। अब देखिए दोस्तों मैंने एक लगा दिया है, अब मैं एक दूसरा लगाऊंगा जो इसमें डबल चैनल होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही पावरफुल IC है ये, क्योंकि इसका सब बूफर बहुत ही हाई फाई चलता है। दोस्तों देखिए दोस्तों इसको मैंने लगा दिया 4 नंबर पिन पे। दोस्तों इसको 4 नंबर पिन पे मैंने लगा दिया और दोस्तों इस तरफ से जो है लगा दिया और उधर से भी लगा दिया दोस्तों। और दोस्तों अब इसके बाद जो है हम इसका पिन को थोड़ा सा काट लेंगे, जो स्पीकर की पिन है थोड़ी सी बराबर कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लगाएंगे L7805 जो ट्रांजिस्टर जिसको हम USB मॉड्यूल को सप्लाई देंगे, क्योंकि दोस्तों हम मॉड्यूल में बना रहे हैं, हो आप लोग जो है ऑक्स में भी देखते हैं, बट मैं थोड़ा सा मॉड्यूल में बना रहे हैं। मॉड्यूल आपके आसपास मिल जाएगा, आप लोग खरीद सकते हैं ईजिली। मैं जितने भी सामान इसमें लगाए हैं आपके मार्केट में सब मिल जाएंगे दोस्तों। और इसी तरीके से इसमें हम जो है अभी 12 वोल्ट का पहले हम स्पीकर का कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों स्पीकर 1 मैंने कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों पहले ये 12 वोल्ट का जो है सप्लाई देंगे 7805 पे। देखिए दोस्तों इस 12 जो है चिमटी की मदद से 12 वोल्ट पे हम कनेक्शन कर देंगे, जो कि 7805 को जो है सप्लाई मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से मैंने जो है कनेक्शन कर दिया। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों हम इस पर ग्राउंड करेंगे कैपेसिटर जो 100 जो है UF 25 वोल्ट का है। अब दोस्तों इसको हम ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन पे ग्राउंड कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से क्या है 7805 को सप्लाई सही से मिल जाएगी। दोस्तों अब हम लगाएंगे स्पीकर का कनेक्शन। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्पीकर का कनेक्शन हम लोग लगाएंगे, लगा दिए दोस्तों। देखिए एक पिन पे, दोनों पिन पे लगा दिया। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा साइड से निकाल लेंगे। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
दोस्तों अब हम ये पोटेंशियल मीटर पे कनेक्शन करेंगे, जो कि यूएसबी मॉड्यूल पे जो आरएल लेफ्ट राइट का कनेक्शन होता है, आप लोग देख सकते हैं इसको। अब ये ग्राउंड है, ग्राउंड वाले जो है पोटेंशियल मीटर का ग्राउंड देखिए दोस्तों, ये साइड का है। और दोस्तों ये पहले मैंने आर लगाया, उसके बाद एल लगा दिए दोस्तों। इससे क्या है कि हम इसको पोटेंशियल मीटर से कंट्रोल कर लेंगे, जो कि साउंड, क्योंकि साउंड क्वालिटी जो है कंट्रोल करके अगर हम चलाते हैं तो उसकी अब आउटपुट बहुत अच्छा तरीके से निकलती है। 4.7 कंडेंसर से हम जो है लगाएंगे, उस पर एक ऑडियो दूसरे ऑडियो पर से मैंने निकाल दी। अब ये ग्राउंड लगा दिया जो है, यहाँ से ग्राउंड से ये तीन तार मैंने निकाल दिया, जो कि ये ऑडियो हम लोग पोटेंशियल मीटर के बीच वाले पिन पे लगाएंगे, जो कि जो हरा कलर का वायर है उसको हम ग्राउंड पे देंगे, और बाकी वाइट कलर और दोस्तों नीला कलर जो है बीच में हम लगाएंगे। देखिए दोस्तों इसको हम बीच में लगाएंगे, उसके बाद हरा कलर जो है दोस्तों ग्राउंड पे लगा देंगे। अब ये दोस्तों हमारा कंट्रोलर एक तरीके से तैयार हो गया, पोटेंशियल मीटर। और दोस्तों इसी तरीके से आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। अब मैं जो है ये 5 वोल्ट का कनेक्शन हम देंगे, जो 3805 से। देखिए दोस्तों इस पर हम 5 वोल्ट दे दिए, और उसके बाद दोस्तों 3805 के बीच वाले पिन पे हम ग्राउंड कर देंगे। देखिए दोस्तों ये ग्राउंड, ग्राउंड मैंने कर दिया, जो GND है दोस्तों ये ग्राउंड है, आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने थोड़ा सा कोड में लिखा था, इसलिए जो है दोस्तों GND ग्राउंड है। और इसके बाद दोस्तों अब हम जो है पोटेंशियल मीटर का कनेक्शन कर दिया था। अब दोस्तों यह जो सप्लाई का कनेक्शन है, ये देखिए दोस्तों ग्राउंड जो है 12 वोल्ट जो है हम अब IC को देंगे, ग्राउंड मैंने कर दिया। और ये 12 वोल्ट का कनेक्शन ब्लैक वाला जो है दोस्तों ग्राउंड है, और दोस्तों रेड वाला कलर हमारा सप्लाई है 12 वोल्ट का। आप किसी भी एडेप्टर से इसको चला सकते हैं, बहुत अच्छा पावरफुल साउंड इससे मिलेगा। अब दोस्तों ये हम लगाएंगे USB जो है मॉड्यूल। देखिए दोस्तों 5 वोल्ट का कनेक्शन मैंने लगा दिया इसमें। अब लगाएंगे RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन दोस्तों, इसको RL लेफ्ट राइट का कनेक्शन लगा दिया है। इसी तरीके से दोस्तों इसको आप किसी भी बॉडी में फिट कर सकते हैं, और दोस्तों साउंड एकदम बहुत पावरफुल देगा। अब दोस्तों इसमें मैं एक नॉब लगा देता हूँ, क्योंकि नॉब से थोड़ा सा पकड़ने में आसानी होगी घुमाने में। अब दोस्तों देखिए 8 इंची का स्पीकर में बूफर है, अब इसको हम लगाएंगे, इसका कनेक्शन करेंगे स्पीकर का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना दोस्तों। और दोस्तों कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। और दोस्तों इसको मैंने कनेक्शन कर दिया है, अब मैं दूसरा वाला कनेक्शन करूँगा दूसरे स्पीकर का, क्योंकि देखिए दोस्तों 1 8 इंची का दूसरा स्पीकर है, क्योंकि मैं 2 चलाऊँगा, वो भी दोस्तों बहुत ही पावरफुल इसका साउंड होता है। थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो रही है। अब हम जो है देखिए दोस्तों इसको हम 12 वोल्ट का जो है कनेक्शन दे दिया हूँ। अब दोस्तों इसको जो है ऑपरेट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।